हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग देख सकते हो मेरी हालत एकदम खराब हो चुकी है। हम लोग आज शिफ्टिंग करा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग आज शिफ्टिंग करा रहे हैं। आज ट्यूसडे है और अभी 10 बज गए हैं सुबह के। मैंने मेरी बेटी को स्कूल भेज दिया है, मैंने हम लोगों के लिए टिफिन बना लिया है थोड़ा सा, क्योंकि बाद में लगेगा। और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, पराठे सब्जी। मेरी आंखों से ऐसा लग रहा है मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट हम लोगों ने पैकिंग कर ली, देख सकते हो आप, वो खाली हो गया है। यहाँ पे कुछ है कपड़े बाहर, पूरा घर एकदम पूरा पागल जैसा हो गया है, मिसी मिसी। तो कुछ बर्तन थे वॉश करने के, मैंने वो वॉश कर लिए हैं। तो थोड़ी बहुत पैकिंग कर ली है हम लोगों ने, कुछ पैकिंग के लिए लड़कों को बुलाया है, तो वो आएंगे अभी थोड़ी देर में। मतलब हम 3rd फ्लोर पर रहते थे, सब सामान नीचे उतारना पड़ेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए कुछ लड़कों को बुलाया है मेरे हस्बैंड ने, तो वो ही सामान शिफ्ट कराएंगे। तो सबसे पहले हमको जाके अभी गाड़ी लेके आना पड़ेगा, जिससे ट्रांसपोर्ट जिससे हम लेके जाएंगे सामान। तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं सब लाने के लिए, गाड़ी लेके आते हैं, उसके बाद में ये सारा सामान का करेंगे। तो थोड़ा बहुत फिलहाल थोड़ी बहुत पैकिंग और बाकी ही है, तो वो बाद में करेंगे आने के बाद, पहले जाके गाड़ी लेके आते हैं। तो चलिए चलते हैं। मेरी हालत पूरी खराब हो चुकी है फ्रेंड्स, सुबह से शिफ्टिंग चालू है। तो कल जैसे कि त्योहार है, 15 अगस्त भी है, साथ साथ मतलब नागपंचमी है, तो वैसे तो ऑफ रहेगा, लेकिन अच्छा ही लगेगा कल के दिन शिफ्टिंग कराना, इसीलिए सारा सामान आज ही लेके जा रहे हैं 2-3 लोड में। तो एक दो लोड ले जाके हो गए, अभी और लेके जा रहे हैं। तो अभी 1 बजते आ गया, मेरी बेटी को लाने का टाइम हो गया है, तो मैं पैदल पैदल जा रही हूँ मेरी बेटी को लाने के लिए। जो सब आए थे लड़के लोग, जो बॉयज़ लोग आए थे, वो सब पैक करवा के सब लोड कर रहे हैं गाड़ी में। मेरे हस्बैंड भी है उन्हीं के साथ में, मैं उनके आगे आगे पीछे पीछे भाग रही थी, क्या उठाना है, क्या कैसे रखना है, क्या नहीं। कुछ सामान तो तोड़ दिया उन्होंने,
इतने फास्ट फास्ट वो लोग कर रहे हैं कि कुछ एक वॉच तोड़ दी उन्होंने, मेरी बॉक्स तोड़ दिया एक, बहुत कुछ नुकसान हो गया है, कुछ गिरा भी दिया है, कुछ ग्लास की चीज़ें तोड़ दिए हैं। कोई बात नहीं, अगर इतना हेल्प कर रहे थोड़ा बहुत तो होता ही है। मैं मेरी बेटी को लेके आ जाती हूँ, वरना लेट हो जाएगा, वो वहीं पर वेट करते रहेगी। मेरी तो हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, लेकिन मैं ऐसी हालत में जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड तो उससे भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो उनके साथ उठाने में उनको हेल्प कर रहे हैं, उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो उन्होंने कहा मुझसे तो बेटर तुम हो, तुम जाके आ जाओ, तो इस वजह से मैं उसे लेने जा रही हूँ। तो चलिए उसको लेके आते हैं, उसके बाद में अपने डायरेक्ट नए घर में जाने के बाद में आपको मिलती हूँ। पता नहीं इन लोगों ने वहाँ सामान ले जाके कैसे पटका है, तो पता नहीं, वहाँ जाके देखने पड़ेगा। तो चलिए पहले मेरी बेटी को ला लेती हूँ, मेरी सास बोल रही है।